सोशल मीडिया रातों रात कैसे किसी आदमी की जिंदगी बदल देता है, इसका उदाहरण है रानू मंडल। अपनी आवाज से रानू ने इंटरनेट पर यूजर्स को अपना फैन बना दिया, जिसका नतीजा रहा कि वो इंटरनेट स्टार बनकर उभरी। रानू का गाना बॉलीवुड के सितारों तक भी पहुंचा, जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया से पहले एक शख्स है जो रानू के लिए किसी फरिश्ते की तरह आया। इस शख्स ने रानू का वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। ऐसे में चलिए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर ही गुजारा करती थी। उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा भी, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। रानू अक्सर पुराने गाने ही गाती थी। उनके वायरल हुए वीडियो में वो लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गा रही है। ऐसे ही एक दिन रानू गाना गा रही थी, तभी वहाँ यतीन्द्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और उन्होंने वीडियो बना लिया। यतीन्द्र ने ये वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया। बस फिर तो जो हुआ वो सब जानते हैं। रानू जब हिमेश रेशमिया के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी, उस वक्त यतीन्द्र भी स्टूडियो में ही थे। यतीन्द्र को खुद भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनके एक वीडियो ने कैसी एक महिला की जिंदगी बदल दी। रानू को मौका देने के लिए यतीन्द्र ने हिमेश रेशमिया को शुक्रिया कहा। वीडियो के बाद यतीन्द्र लगातार रानू के संपर्क में है। यतीन्द्र पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रानाघाट में ही रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।